सो गुड मॉर्निंग गाइस। और 28 दिसंबर के करंट अफेयर्स के वीडियो में हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द डेकेड की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए विराट कोहली। तो विजडन पत्रिका ने 10 सालों में टॉप 5 बेहतरीन क्रिकेटर की लिस्ट जारी की है और उस लिस्ट का क्या बोला, विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द डेकेड, और इसमें एकमात्र भारतीय हैं कौन, विराट कोहली। अच्छा, मैंने कहा टोटल 5 जने हैं, तो एक तो भारतीय हो गए विराट कोहली और बाकी 4 कौन है, तो एक तो ऑस्ट्रेलिया के हैं स्टीव स्मिथ और साउथ अफ्रीका के डैन स्टेन और साउथ अफ्रीका के ही एबी डिविलियर्स और एक हैं ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर एलिसे पेरी, और ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर एलिसे पेरी सूची में एकमात्र महिला क्रिकेटर हैं। अच्छा, कल भी अपन ने पढ़ा था कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पिछले 10 सालों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 11 खिलाड़ियों की एक वनडे टीम यानी कि ओडीआई टीम ऑफ डेकेड घोषित की है और उसमें कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी, और उन 11 खिलाड़ियों में 3 भारतीय खिलाड़ी थे, महेंद्र सिंह धोनी हो गए, विराट कोहली और रोहित शर्मा थे। तो वो प्रश्न भी आप याद रखना, बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में भारत की ओलंपिक यात्रा पर लिखित किताब का विमोचन किया गया है, आपको इसके लेखक का नाम बताना है। तो सही उत्तर होगा उपर्युक्त दोनों यानी कि बॉब मजुमदार और नलिन मेहता। तो अभी बॉब मजुमदार और नलिन मेहता ने भारत की ओलंपिक यात्रा पर एक बुक लिखी है, क्या नाम है उसका, ड्रीम्स ऑफ अ बिलियन इंडिया एंड ओलंपिक गेम्स, और इस बुक में सभी जीत हार स्टार स्पोर्ट्समैन और उनकी कहानियां समेत 2020 ओलंपिक जो होंगे ना उसमें भारत के सामने क्या क्या चुनौतियां आने वाली है वो सब शामिल है। अच्छा, ओलंपिक से याद आया, अच्छा मैं आपको बता दूं, अभी जो आपके बिहार एसआई का पेपर हुआ था उसमें जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए थे वो अलग से मैंने निकाल करके आप लोगों को बता दिए कि इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, कल इवनिंग में मैंने वीडियो अपलोड कर दिया था, अगर आपने नहीं देखा तो एक बार देख लेना तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो उस पेपर में ओलंपिक से 2 प्रश्न पूछे गए थे, एक तो 2024 का ओलंपिक कहाँ पे होगा और बीजिंग जो ओलंपिक होगा 2022 में उसका मैस्कॉट शुभंकर क्या होगा, ये प्रश्न आया था। तो एक बार मैं आपको तीनों बता देता हूँ, तीनों आप कंटिन्यू याद रखो। देखो, एक तो अगले साल होगा 2020 में टोक्यो ओलंपिक, तो उसमें जो मैस्कॉट है शुभंकर है वो है सोमाइती और मेरिटोवा। फिर उसके बाद 2022 में बीजिंग ओलंपिक होंगे, तो उसके जो मैस्कॉट हैं एक तो है मुस्कुराता हुआ पांडा जिसे बिंग ड्वैन ड्वैन कहते हैं, और पैरालंपिक के लिए है चीनी लालटेन श्वेन रॉन रॉन उसे कहते हैं, और 2024 के कहाँ पे होंगे, पेरिस फ्रांस में होंगे, उसके शुभंकर मैस्कॉट अभी तक डिक्लेयर नहीं किए गए हैं। समर होगा कौन सा, विंटर होगा, तो डायरेक्ट याद रख लो कि अगले साल वाला समर होगा, उसके बाद जोड़ते जाओ, फिर 2022 का विंटर होगा, फिर 2024 का समर होगा, तो ये आप याद रखो, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किसने दूसरे ईट राइट मेले का उद्घाटन किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हर्षवर्धन सिंह ने। तो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन और इन्होंने अभी दूसरे ईट राइट मेले का उद्घाटन किया है। अच्छा, यहाँ से एक प्रश्न ये भी बनेगा कि ये उद्घाटन किया कहाँ पे, तो नई दिल्ली में किया है। तो इस मेले का उद्देश्य क्या है, लोगों को स्वस्थ डाइट हेल्दी डाइट लेने के लिए प्रेरित करना। अच्छा, इस इवेंट का थीम भी था, थीम क्या था, हेल्दी डाइट, और इसका आयोजन किसने किया, तो फसाई ने, FSSAI ने इसका आयोजन किया। ये जो ईट राइट मेला है ना, फसाई का एक अभियान है, ईट राइट मूवमेंट उसी का हिस्सा है, और इस ईट राइट मूवमेंट की बात करेंगे तो इसका उद्देश्य क्या है, लोगों को हेल्दी डाइट के बारे में जागरूक करना। और यहीं पे हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने बीमारियों के लिए उचित आहार बताने वाली पुस्तक को भी लॉन्च किया है, और उस पुस्तिका का नाम क्या है, द पर्पल बुक, ये आपको नाम याद रखना है, क्या नाम है, द पर्पल बुक। और अगर डेली आप हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर देखते होंगे तो आपको याद आया होगा, कुछ समय पहले ही मैंने आपको बताया था शायद नवंबर में, कि फसाई ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का टैग भी दिया था, याद आया आपको, साथ में मैंने ये भी बताया था कि ये टैग पाने वाला देश का पहला स्टेशन बना है ये। फसाई की बात कर लेंगे, फुल फॉर्म फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्थापना 2011 में हुई थी, इसके अध्यक्ष हैं रीता टवेटिया और इसके CEO हैं पवन कुमार अग्रवाल। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हरियाणा सरकार ने। तो अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन, मनोहर लाल खट्टर ने 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है।
तो इसके लिए राज्य सरकार ने लोगों से सुधारों यानी कि क्या क्या हम सुधार कर सकते हैं उसके लिए सुझाव मांगे हैं। सुशासन दिवस अभी मनाया था अपन ने 25 दिसंबर को, गुड गवर्नेंस डे, और कल ही अपन ने पढ़ा था सुशासन सूचकांक जारी किया गया था। किसने जारी किया था पूछेंगे तो डोनर मंत्री ने, डोनर मतलब डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन मंत्री जितेंद्र सिंह ने, और इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया था। बड़े राज्यों में बात करेंगे तो टॉप पे रहा था तमिलनाडु, पूर्वोत्तर व पहाड़ी राज्यों में बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश शीर्ष पे था, और यूनियन टेरिटरी में बात करेंगे तो पुडुचेरी टॉप पे था। बात हरियाणा की है तो येरा मैप में हरियाणा, कैपिटल चंडीगढ़ है, पंजाब की भी यही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी फिर से बन गए, और अभी डेप्यूटी सीएम बने थे कौन, दुष्यंत चौटाला, जननायक जनता पार्टी से हैं। गवर्नर तो सत्यदेव नारायण आर्य हैं ही सही। अच्छा, अभी पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस भी बने थे, बता सकते हो कौन, रविशंकर झा, और रवि से एक और नाम याद रखना, रवि रंजन, झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे। और अभी एक और रवि नाम आपके न्यूज़ में था, रवि मित्तल, और रवि मित्तल क्या बने थे, सूचना व संचार मंत्रालय के सचिव बने थे। और इसी साल पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक वर्चुअल कोर्ट भी स्थापित किया था फरीदाबाद में। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में 8 पश्चिमी अफ्रीकी देशों ने अपनी सामान्य करेंसी का नाम बदल करके क्या रख लिया है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, इको। तो अभी हाल ही में 8 पश्चिमी अफ्रीकी देशों ने अपनी करेंसी का नाम बदल करके इको कर लिया है। अच्छा, इससे पहले क्या नाम था, CFA फ्रैंक, और वो 8 अफ्रीकी देश कौन से हैं, बेनिन, बुर्किना फासो, गिनी बिसाउ, आइवरी कोस्टा, माली, नाइजर, सेनेगल और टोगो। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किसे AAO यानी कि अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी ने लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर संतोष जी होन्नावर ने। तो भारत के नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं ये डॉक्टर संतोष जी होन्नावर, और अभी ने अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी ने अपने सदस्यों को दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है, और इस सम्मान के लिए चुने जाने वाले ये पहले भारतीय भी बन गए हैं। और ये जो AAO है ना, ये नेत्र विशेषज्ञों की दुनिया में सबसे बड़ा संघ है। अच्छा, ऑप्शन ए क्या है, प्रमोद कुमार दास, अल्पसंख्यक मामलों के सचिव बने थे, माइनॉरिटीज सेक्रेटरी बने थे, पंकज कुमार, UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के CEO बने, संजीव नंदन सहाय ऊर्जा सचिव बने थे। अच्छा, AAO की बात कर लेंगे, स्थापना 1979 में हुई थी, हेडक्वार्टर इसका कैलिफोर्निया USA में है। बढ़ते हैं आगे। फिर है, कौन सा देश भारत से पोलियो मार्कर आयात करेगा, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान। अच्छा, आपको याद होगा जम्मू कश्मीर से जब आर्टिकल 370 हटाया गया था उसके बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ सारे व्यापार बंद कर दिए थे, पर अब पाकिस्तान ने भारत से पोलियो मार्कर आयात करने का फैसला किया है। ये जो पोलियो मार्कर होता है ना, तो बच्चों को जब पोलियो की दवाई पिलाई जाती है तो उसके बाद उनकी उंगली में मार्कर से निशान लगा दिया जाता है। वैसे तो और भी देश ये बनाते हैं, लेकिन वो थोड़े से पॉइजनस होते हैं और बच्चों के लिए ये थोड़ा सा ठीक नहीं है, विषैले होते हैं थोड़े से। लेकिन जो भारत और चाइना है वो गैर विषैले पोलियो मार्कर बनाते हैं। अच्छा, अगर पोलियो की बात हो रही है तो आपसे एक प्रश्न मैं पूछूंगा, आप मुझे बताओ भारत पोलियो मुक्त कब हुआ था। आपको मैं हिंट दे देता हूँ, उस वर्ष मलाला यूसुफजई को नोबेल पीस प्राइज भी मिला था। अब आप ही को आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। और अभी अपन ने न्यूज़ में पढ़ा था कि मलेशिया में 27 वर्षों के बाद पोलियो का पहला मामला भी सामने आया था। और बात करें कि पोलियो से आज भी सबसे ज़्यादा प्रभावित देश कौन से हैं, तो पाकिस्तान है, नाइजीरिया है, अफगानिस्तान है, ये सारे हैं। अच्छा चलो, एक और प्रश्न का आप लोग जवाब दो, देखते हैं किसको पता है, वर्ल्ड पोलियो डे कब मनाया था अपन ने। इसकी भी मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आपका काम आसान हो जाएगा। उसी दिन अपन ने यूनाइटेड नेशन डे भी मनाया था, उसी दिन अपन ने नेशनल फूड डे भी मनाया था। अब आप बता सकते हो आराम से। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में हिम दर्शन ट्रेन कहाँ से कहाँ तक के लिए शुरू की गई है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कालका से शिमला के लिए। तो कालका से शिमला तक के लिए एक हिंदू दर्शन नाम की एक नई ट्रेन शुरू की गई है। तो ये ट्रेन मुख्य रूप से पर्यटकों के लिए है और इसकी छतों में कांच लगे हुए हैं ताकि जो पर्यटक इसमें बैठे होंगे ना, वो पहाड़ों के वादियों का लुफ्त उठा सकेंगे। इसमें टोटल 7 कोच हैं। अच्छा, रेल मंत्री कौन है हमारे, पीयूष गोयल हैं। और अगर बात करें देश की पहली ट्रेन, प्राइवेट ट्रेन कौन सी है, तो तेजस एक्सप्रेस है जो कि नई दिल्ली से लखनऊ के बीच चलती है, IRCTC से ऑपरेट करता है। अच्छा, लखनऊ से याद आया, अभी लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन में 2 हेल्थ ATM लगाए गए थे
और उसी तरह से अपन ने परसों नरसों ही पढ़ा था, नासिक जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे ऑक्सीजन पार्लर खोला गया और विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पे फन जोन स्थापित किया गया था, और अभी कल परसों ही पढ़ा सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में मेघदूत एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर लगाया गया जो कि वातावरण की जो नमी है उससे पानी बनाएगा, और स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत सर्वे हुआ था जिसमें सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन रहा था राजस्थान का जयपुर रेलवे स्टेशन, सेकेंड नंबर पे भी राजस्थान का ही था जोधपुर रेलवे स्टेशन, तो ये भी याद रखें। बढ़ते हैं आगे, फिर है हाल ही में ईरान चीन और रूस की नौसेनाओं का संयुक्त अभ्यास कहाँ पे शुरू हुआ है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ओमान की खाड़ी में। तो अभी 27 दिसंबर के ओमान की खाड़ी में ईरान चीन और रूस की नौसेनाओं के बीच एक संयुक्त अभ्यास शुरू हुआ है। अच्छा, इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? मरीन सिक्योरिटी बेल्ट। और आपको याद होगा अभी दिसंबर में ही चाइना के साथ भी हमने एक एक्सरसाइज किया था, क्या नाम है उसका? हैंड इन हैंड एक्सरसाइज, कहाँ पे? मेघालय के उमरोई में। और रशिया के साथ भी तो हमने अभी एक एक्सरसाइज किया था, ट्राई सर्विस एक्सरसाइज, क्या नाम है उसका? इंदिरा एक्सरसाइज। ये कहाँ पे किया? तीन स्थानों पे किया, एक तो झांसी के बबीना सैन्य स्टेशन में, एक पुणे में और एक गोवा में, तो ये भी आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे, फिर है किस वर्ष तक सभी गांवों में मुफ्त वाईफाई सेवाएं प्रदान की जाएगी, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 2020 तक। तो अभी हमारे कम्युनिकेशन और आईटी मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद, और उन्होंने हरियाणा के रेवाड़ी में डिजिटल गांव गुखारा का उद्घाटन करते हुए कहा कि 2020 मार्च तक भारत नेट के माध्यम से देश भर के सभी गांवों में मुफ्त वाईफाई सुविधाएं पहुंचाई जाएगी, और मंत्रालय पहले ही भारत नेट के माध्यम से 30,000 ग्राम पंचायतों को जोड़ चुकी है, अब 2,50,000 ग्राम पंचायतों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। अच्छा, 2020 से आपको कुछ याद आ रहा होगा, जैसे कि तेलंगाना ने 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का साल घोषित किया है, वहीं 2020 को ही यूनेस्को ने ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर को विश्व की पहली वास्तुकला की वैश्विक राजधानी घोषित किया, और 2020 को ही यूनाइटेड नेशन ने प्लांट हेल्थ यानी कि पादप स्वास्थ्य का वर्ष भी घोषित किया है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखें। बढ़ते आगे, फिर है हाल ही में भारत और जापान के बीच समुद्री वार्ता के पांचवें दौरे का आयोजन कहां पे किया गया, सही उत्तर होगा ऑप्शन बी टोक्यो में। तो अभी हाल ही में भारत और जापान के बीच समुद्री मामले की वार्ता के पांचवें दौर का आयोजन टोक्यो में किया गया, और इस वार्ता का पहला दौर 2013 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, तो अभी वाला कौन सा था? पांचवा दौर था। बात जापान की है तो येरा मैप में जापान कैपिटल क्या है? टोक्यो है। अच्छा, याद रखना टोक्यो में अगले साल के ओलंपिक होने वाले हैं, आपको पता होगा। इसके अलावा अभी इकोनॉमिक इंटेलिजेंसी की रिपोर्ट आई थी और उसमें बताया था सबसे सेफ सिटी कौन सा है, तो टोक्यो ही था। करंसी येन है, प्रधानमंत्री शिंजो अबे हैं। अच्छा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और मैं आपको हमेशा बताता हूँ, सूर्योदय का देश लैंड ऑफ राइजिंग सन किसे कहते हैं? जापान को कहते हैं, और जापान की संसद को क्या कहते हैं? डाइट कहते हैं। और अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स भी आया था, उसमें सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का बताया था? जापान का और सिंगापुर का। भारत इसमें 86 नंबर पे था। अच्छा, जापान का भी नया युग शुरू हुआ है ना, उस नए युग का नाम क्या है? रीवा युग है, और नए राजा जो बने हैं उनका नाम नारुहितो है। और अभी जापान के साथ हमने एक एक्सरसाइज भी किया था, कौन सा वाला? धर्मागार्जन किया था, शिन्यू मेत्रु भी किया था। अच्छा, अभी भारत और जापान के बीच में एक 2+2 वार्ता हुई थी, कहाँ पे हुई थी वो? नई दिल्ली में हुई थी, और एक यूएसए के साथ भी हुई थी, लेकिन वो नई दिल्ली में नहीं, वो वॉशिंगटन डीसी में हुई थी, तो ये पॉइंट भी क्लियर रखना। बढ़ते हैं आगे, फिर है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, ये क्या है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ये एक पेंशन योजना है। तो ये 60 वर्ष या उससे अधिक के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है। अच्छा, मैं आपसे ये क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि ये योजना भी न्यूज़ में रही थी। क्यों रही थी न्यूज़ में? क्योंकि अब यदि कोई व्यक्ति इस योजना का लाभ लेना चाहता है तो उसको अपना आधार इससे लिंक करना होगा, तो इसी कारण से ये अभी न्यूज़ में रही थी। तो याद रखना है वय वंदना योजना पेंशन योजना है। ये शुरू कब हुई थी? तो 2017 में शुरू हुई थी, 4 मई 2017 को। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि किसे लेबनान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, तो सही उत्तर था ऑप्शन ए हसन दियाब। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अच्छा, अब आज का करंट अफेयर्स तो आपने पढ़ लिया है, अब इन क्वेश्चन का आप टेस्ट जरूर लगाएं। करंट अफेयर्स की क्विज आप डेली सॉल्व करा करें। आप टेस्ट लगाएंगे ना तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा और क्विज लगाने से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा।
जिन स्टूडेंट्स को खासतौर पर ये प्रॉब्लम रहती है कि पीछे का करंट अफेयर्स वो भूलते जा रहे हैं, तो ये क्विज आप डेली बेसिस पे लगाना शुरू करें, आपकी भूलने की समस्या ही खत्म हो जाएगी। तो ये क्विज आपको क्रेक जीके ट्रिक्स के एप्लीकेशन पे मिलेगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस लिंक पे आप क्लिक करके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। अच्छा, उस एप्लीकेशन में आपको क्विज के साथ साथ सभी PDF भी मिल जाएंगे और सभी वीडियोज भी एक ही जगह पे मिल जाएंगे। तो डेली बेसिस पे आप क्विज लगाना शुरू कीजिए और आप खुद अंतर देखिए कि आप में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने लगेंगे। तो गाइज, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जो भी आपका व्हाट्सएप, जो भी आपका फेसबुक ग्रुप है, प्लीज वीडियो के लिंक को जरूर शेयर कर दिया कीजिए आप लोग। और अब तो आपके करंट अफेयर्स के रिविजन करने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूँ, तो वो ऑडियो सुन करके आप इसका रिविजन कर सकते हो, वो भी 4 से 5 मिनट के अंदर अंदर। तो हेडफोन लगाइए, ईयरफोन लगाइए और अपना रिवीजन शुरू कर दीजिए। आपको ऑडियो रिवीजन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए, और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि करंट से रिलेटेड जो भी ऑडियो मैं तैयार करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसका बेनिफिट उठा सकें। और इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में। थैंक यू गाइस।